हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और आपको पता है हम काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था वो थोड़ा देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है जी। तो हमने काफ़ी ढेर सारी बातें की थी प्रोजेक्टाइल मोशन पे। कैसे होता है मोशन? ये ऐसे किसी बॉल को, किसी पार्टिकल को हम छोड़ देते हैं हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे, ठीक है, किसी इनिशियल वेलोसिटी यू, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर रही हूँ क्योंकि इसी से मैं आगे आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। ये इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करते हैं। ये वाला जो कंपोनेंट होता है वर्टिकल वाला, इसे हम कहते हैं यू साइन थीटा और इसे हम कहते हैं यू कॉस थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे लगता है? जी डाउनवर्ड्स। एक्स में कुछ नहीं होता है तो हमेशा ही जो एक्स में ये हॉरिजॉन्टल वाली जो वेलोसिटी होती है यू कॉस थीटा, ये तो क्या होती है सभी पॉइंट्स पे क्या होती है? कांस्टेंट होगी, कभी भी नहीं बदलेगी, कभी भी बदलेगी, कभी भी नहीं बदलेगी, ठीक है। लेकिन वर्टिकल वाली वेलोसिटी के बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी घटती रहेगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी। कब तक घटेगी? मैंने बोला हायर मोस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे जाके जो यू वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? मैंने बोला जब ये पॉइंट को टच करेगा यहाँ पे तो सेम वेलोसिटी यू से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ठीक है, थीटा एंगल पे। ये बात समझ में आ रही है हमें, ठीक है। और हमने क्या की थी? हमने बोला था कि इसकी एक मैक्सिमम हाइट आती होगी ऐसे ग्राउंड से इस पार्टिकल की, ठीक। और हमने क्या किया था? ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये जो कवर करती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेंज, ठीक है जी। और हमने क्या किया था? टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट क्या होता है कि यहाँ से लेकर इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल तक, यहाँ तक आने के लिए इसने कितना टाइम लगाया है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ लाइट, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी ऑफ दिस पार्टिकल। तो हमने देखा था कि जो h मैक्स के लिए, जो h के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था, ये जो हाइट h है इसके लिए जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो था हमारा u स्क्वायर। क्या हो रहा है आज? ये हमने निकाला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक। टाइम ऑफ लाइट के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था? हमने निकाला था 2u साइन थीटा बाय g से। और हमने क्या निकाला था? रेंज के लिए फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था वो फॉर्मूला? हमने निकाला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा बाय g के बराबर निकाला था। ये बात आपको समझ में आती है, ठीक। ये बातें हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। आपको लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, अगर आपको दिक्कत है वहां से चेक कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं आज। देखिए इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो बात तो करनी ही पड़ेगी। हमने बोला ये है एक्सिस बना लेते हैं, ठीक। ये क्या है हमारा? एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है आपको। इस पे मैंने बोला यहां से अगर मैं किसी को, अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं दिया रहता तो कैसा होता? ऐसे करके अगर मैं किसी बॉल को छोड़ती तो ऐसे करके कुछ वो प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता। अगर मैं यहाँ से किसी बॉल को छोड़ती किसी वेलोसिटी यू से, ठीक है, तो ऐसे करके कुछ होता। लेकिन मैंने बोला बीच में इंक्लाइन प्लेन आ गया है तो ये वाला जो मोशन है, ये वाला मोशन ये नहीं होगा, बस यहीं तक बॉल आके रुक जाएगी। ऐसे करके कुछ होएगा, कुछ होएगा भैया, ठीक है। मैंने बोला जी ऐसे कैसे लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है, ठीक है। ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस जो भी आप बोल लीजिए वो है, ठीक। जी डाउनवर्ड लग रहा है। मैंने बोला यू ऐसे लग रहा है तो मैंने बोला जी कैसे लग रहा होगा प्लेन पे? कुछ यू लग रहा होगा। अब क्या करना होता है, जब हम इंक्लाइन प्लेन पे मोशन की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, मोशन को कैसे तोड़ेंगे? जैसे कि हमें पता है कि अब इसमें हम प्रोजेक्टाइल में भी मोशन को दो पार्ट में तोड़ रहे थे। कैसे तोड़ रहे थे? एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में तोड़ रहे थे। जब इंक्लाइन प्लेन पे हम आ जाते हैं तो हम कैसे तोड़ते हैं अपने मोशन को? एक हम तोड़ते हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और एक हम तोड़ते हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। कैसे तोड़ते हैं हम अपने मोशन को? हम दो पार्ट में तोड़ेंगे इस बॉल के मोशन को। कैसे? एक हम रखेंगे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और एक हम जाएंगे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। आती है बात समझ में? ठीक।
तो तोड़ना हम चालू करेंगे, देखिए कैसे कैसे तोड़ेंगे हम। तो मैंने बोला सबसे पहले ये बॉल है, ये बॉल है, तो मैंने बोला कि ये किसी वेलोसिटी यू से अगर हम छोड़ेंगे तो ये ऐसे करके कुछ मोशन शो करेगी करेगी। मैंने बोला अगर किसी यू वेलोसिटी से छोड़ा है, और मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये जो इंक्लाइन का जो एंगल है, मैंने बोला है अल्फा है। मैंने बोला अल्फा क्या है, इंक्लाइन का एंगल, इंक्लाइन का एंगल है ये, ठीक है, आती है बात समझ में। और ये हो गया आपका अल्फा, और ये बीटा क्या है, बीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन, इंक्लाइन पे जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है बॉल का या पार्टिकल का, वो मैंने क्या माना है, बीटा माना है। यहां पे हम दो एंगल से खेल रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, ठीक है। तो मैंने बोला ये वाला जो एंगल है ये मेरा बीटा हो गया। तो मैंने बोला यू के पहले दो कंपोनेंट्स करिए जरा आप, यू के दो कंपोनेंट्स कर दिए। तो मैंने बोला एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन करेंगे और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन करेंगे। जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वाला कंपोनेंट है वो क्या आएगा आपका, आपने ये बोला ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, यू कॉस ऑफ बीटा, ठीक। और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होता है, साइन, तो ये क्या होगा, यू साइन बीटा, ठीक। ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, एक बार देख लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में, ठीक है जी, ठीक है। मैंने बोला यूं करो कि जी भी मेरा क्या दिया है, परपेंडिकुलर टू द, मैंने बोला ऐसे परपेंडिकुलर वर्टिकल में दिया है। मैंने बोला जी के भी कंपोनेंट्स करो, कैसे करोगे, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन करोगे और एक परपेंड, जो भी दिया है, जो भी दिया है सबरे के कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन करो। मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने बोला जी कुछ यूं दिया है, तो मैंने बोला इसके भी कंपोनेंट एक ऐसे आएगा, एक यू कंपोनेंट इसका आएगा और एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इसका कंपोनेंट आएगा। ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी कॉस ऑफ अल्फा, और ये वाला क्या कंपोनेंट हो जाएगा, जी साइन ऑफ अल्फा, ठीक। जी ये कंपोनेंट कैसे करेंगे हम, कौन से वाले एंगल से करेंगे, हम बोले इंक्लाइन के एंगल से उसके कंपोनेंट होंगे, ठीक। और यू के कंपोनेंट किससे होंगे, हमने बोला जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑन द इंक्लाइन प्लेन बनेगा उससे हम किसके करेंगे, यू के कंपोनेंट करेंगे। एंगल्स में कंफ्यूज मत होजिएगा, मैं बहुत बारीकी से आपको छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, इसीलिए इसमें आराम से सुनिए आप, इसमें इतनी बात समझ में आती है। अब इसको उठा के जरा दूसरे पेज में ले जाओ, उठा के यहां पे लेकर आएंगे हम। हमने बोला ये है बॉल, हमने ऐसे इसको छोड़ी, तो हमने बोला बॉल ये कुछ यू मोशन शो करेगी, तो मैंने बोला ये किसी मैक्सिमम यहाँ पे ऐसे ये डी हाइट तक जा रही है। मैंने बोला ये कोई रेंज ऐसे ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी रेंज होगी, ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करती है बॉल उसे रेंज कहते हैं हम, ठीक। तो ये रेंज होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी इसी तरह से आता होगा। मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक के जाने का टाइम T1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक के जाने का टाइम T2, ऐसे करके कुछ आएगा, T1 प्लस T2 ही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। मैंने बोला कंपोनेंट्स करिए जरा यू के, तो मैंने बोला यू के कंपोनेंट्स क्या क्या आ रहे थे जरा देखो, यहाँ से यू कॉस बीटा, यू साइन बीटा लिखो। तो मैंने बोला एक कंपोनेंट ऐसे आएगा यू कॉस बीटा, ठीक है जी, और एक ये कितना यू साइन बीटा, बहुत प्रेम से देखना है ये आपको, ठीक। जी के कंपोनेंट कैसे कैसे आए थे आपके, जी के कंपोनेंट आए थे आपके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आया था आपका जी कॉस ऑफ अल्फा, और अलोंग में आया था आपका इस साइड में क्या आया था, जी साइन ऑफ अल्फा, ये आपका एंगल अल्फा है, ठीक, और ये आपका एंगल है बीटा, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है अभी तक, ये बीटा, ठीक, ये आपका अल्फा, ठीक है जी, ठीक। अब हम आगे यहां से कैलकुलेशन करना, हमें निकालना क्या है, वही कि मैक्सिमम कितने हाइट तक गई है, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तीन चीज पूछी जाती है, तो यही तीन चीज हमें निकालना होती है। कैसे कैसे चीजें निकालेंगे देखिए, तो हमने बोला कि देखिए पहले अगर आप मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बात करेंगे, तो मैंने बोला जब यहां से बॉल यहां से क्या बात नीचे लौटेगी, इसका मतलब इस पॉइंट पे ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, तो यहाँ पे जो यू यू वाई, अच्छा अब एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ऐसे मान लेना, मैंने बोला अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक्स एक्सेस मानी है मैंने और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन मैंने वाई एक्सेस मानी है,
देखिए कैसे मानी है, मैंने बोला अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मैंने एक्स एक्सिस मानी है और परपेंडिकुलर थ्रू द इंक्लाइन प्लेन मैंने वाई एक्सिस मानी है। तो मैंने बोला कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो जो यू वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। बात सही है मेरी कि गलत है? सही है मेरी, ठीक। अभी हम वर्टिकल कंपोनेंट की ही बात कर रहे हैं, ठीक। और हमें क्या, देखो वाई में क्या क्या दे रखा है, हमें देखो वाई में क्या क्या दे रखा है वो सब लिख लो। हमने बोला इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है y में कितनी दे रखी है, हमने बोला u साइन ऑफ बीटा दे रखी है, ठीक। हमें s जो डिस्टेंस कवर करना है वो हमें कितना दे रखा है, ठीक है, डिस्टेंस हमें कितना कवर करने के लिए दे रखा है, हमने बोला कितना कवर करने दे रखा है d, ये d ही तो निकालना है मैक्सिमम हाइट यही दे रखा है। हमने बोला टाइम कितना दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, आपने बोला t1 दे रखा है। अभी मैं इस वाले पार्ट यहां तक आई हूं, ठीक। मैंने बोला फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी बताइए आप बोलोगे मैम फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई टॉप मोस्ट पॉइंट पे, हमने बोला जीरो, ठीक। टॉप मोस्ट यहां लिख दे रही हूं मैं, टॉप मोस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। और क्या दे रखा है बताओ, और देख बताओ, आप बोलोगे कि मैम ये एक क्या लग रहा है आपको, ये जी एक डी जी का कंपोनेंट आया है, एक डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, जी का एक जो कंपोनेंट है जी कॉस अल्फा। अब जी नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है उसका कंपोनेंट लग रहा है, क्या, जी कॉस अल्फा, ठीक है। तो जो आपका एक्सेलरेशन वो क्या आता है आपका माइनस ऑफ जी कॉस अल्फा, माइनस लिख दिया तो वो डी एक्सेलरेशन के तौर पर ही लग रहा होगा। मैंने बोला बढ़िया, मैंने बोला टी वन निकालना है या डी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हमने बोला लिखा वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए इंटू टी, वी फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन ऑफ बीटा, ठीक है, प्लस ए कितना है आपका माइनस ऑफ जी कॉस ऑफ अल्फा इंटू में टी वन। तो यहां से टी वन क्या आया आपका, आपका आया यू साइन ऑफ बीटा, ठीक है, अपॉन में जी कॉस ऑफ अल्फा। ये बात समझ में आती है आपको, आती है, ठीक। अब देखो, अब मैंने बोला जितना टाइम ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम आपको इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आने में लगेगा, है कि नहीं। मैंने बोला जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इस बॉल को नीचे आने में लगेगा। अगर आप इसको ऐसे घुमा के ऐसे करके देखना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैंने बोला टी वन शुड बी इक्वल्स टू टी टू, ठीक है, शुड बी इक्वल्स टू यू साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ठीक। तो हमने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कितना निकल के आता है आपका, इसमें से आपका निकल के आता है, इसका ट्वाइस कर दो, अब लोगे टू यू साइन बीटा अपॉन में जी कॉस अल्फा के बराबर। आती है ये बात समझ में आप लोगों को, ठीक, कोई मुश्किल की बात नहीं है, रटने की भी जरूरत नहीं है, इस चीज को रट लो तो बढ़िया है लेकिन रटने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे कंपोनेंट करना, ये तरीके से करना, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना और अपना काम कर लेना, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने निकाल लिया, हमें क्या निकालना है, ये मैक्सिमम हाइट, ये कितना गया है इंक्लाइन पे, तो चलो देखो कैसे निकलेगा ये। हमने बोला डी निकालने का है, कैसे निकालेंगे, हमने बोला इनिशियल और फाइनल और डी निकालना है, तो अच्छा तो इनिशियल प्लस फाइनल बाय टू इंटू टी कर दे तो डी आना चाहिए, v प्लस यू बाई टू इंटू टी इज इक्वल्स टू एस लिखा था हमने, वही लगाएंगे हम फॉर्मूला, s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाय टू इंटू टी पढ़ा था, वही लगा रहे हैं हम। तो s यहां पे क्या है हमारा, d इक्वल्स टू u क्या है, u साइन ऑफ बीटा, देखो u साइन बीटा है, बिल्कुल है, ठीक है, प्लस ऑफ v फाइनल कितना है जीरो अपॉन में टू इंटू टी, टी यहां पे क्या है हमारा, टी वन है, क्या है हमारा टी, यहां से यहां तक गए हैं हम, हमने बोला क्या है टी, टी वन है, कितना है टी वन, यू साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, क्या है यू साइन बीटा अपॉन में जी कॉस ऑफ अल्फा, यहां से आपका क्या निकल के आएगा, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बीटा अपॉन टू जी कॉस अल्फा, ये आपका क्या निकल गया, ये आपके डी का फॉर्मूला निकल गया, ठीक। इंक्लाइन पे कितनी हाइट तक गया है ऊपर, ये हमने वो निकाल लिया, यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो
तो वही निकालना हम सीख रहे हैं। दो तो हमारे पैरामीटर हमने सॉल्व कर लिए, तीसरा पैरामीटर क्या था, रेंज निकालना था। रेंज किस में दी है हमारी, हमने बोला एक्स में दी है। अब एक्स में क्या क्या दे रखा है सब लिख लो आप। एक्स में आ गए हम, एक्स की बात करेंगे हम, ठीक है जी। एक्स में हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लिखें, इनिशियल वेलोसिटी हमारी दे रखी है कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमारी यू कॉस बीटा, यू कॉस ऑफ बीटा दे रखी है, ठीक। हमारा एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन की तौर, इसको मैंने पॉजिटिव माना है तो ये अपने आप नेगेटिव, तो मैंने बोला माइनस ऑफ जी साइन बीटा, तो आपका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, माइनस ऑफ जी साइन ऑफ बीटा दे रखा है, ठीक है जी। और क्या क्या दे रखा है आपका, और देखो क्या दे रखा है, मैंने बोला और तो रेंज हमें निकालनी है, रेंज, रेंज हमारा डिस्टेंस है, ठीक, हमने बोला आर, और हमें टाइम तो टोटल पता ही है, टाइम हमारा टोटल कितने बराबर होगा, टी वन प्लस टी टू के बराबर होगा, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, कितना है वो हमारा, टू यू साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, टू यू साइन बीटा अपॉन में जी कॉस ऑफ अल्फा के बराबर दे रखा है। रेंज निकलेगी यहां से कि नहीं निकलेगी, आप लिखोगे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, लगा डालो रेंज निकालो, एस यहां पे क्या है आपका, रेंज है आर इक्वल्स टू यू, कितना दे रखा है आपका, यू कॉस ऑफ बीटा, टी कितना दे रखा है आपका, नेट टाइम ऑफ लाइट दैट इज टू यू साइन बीटा अपॉन में जी कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस ऑफ हाफ ए कितना दे रखा है आपका, माइनस ऑफ जी साइन बीटा, ठीक है, इनटू में टी स्क्वायर कितना, टू यू साइन बीटा अपॉन में जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, आती है ये बात समझ में। इस तरीके से आप रेंज भी निकाल लोगे, डी भी निकाल लोगे, टाइम ऑफ लाइट भी निकाल लोगे, देखिए आप एक बार, ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ जाती है आप सबको। आगे बढ़ेंगे हम, और आगे हम इस पे थोड़े से एक क्वेश्चन देख लेते हैं आज, ठीक है। तो मैंने बोला ये इंक्लाइन प्लेन है, 37 डिग्री पे इंक्लाइन है, ठीक है, एक बॉल है, इसको 50 मीटर पर सेकंड से छोड़ा जाता है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज, ये भी 37 डिग्रीज ही दे रखा है मैंने, बदल भी सकते हैं आपका मन है, तो मैंने बोला इसके लिए आप बताओ डी वगैरह, रेंज वगैरह, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह, सारी चीज़ें हमें इसके लिए निकालनी होंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फॉर्मूले वगैरह ध्यान रखना बहुत मुश्किल है, तो मैं तो कंपोनेंट से खेलती हूँ, तो जैसे मैं खुद करती हूँ मैं वैसे आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। तो मैंने बोला यू के दो कंपोनेंट करिए, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा आपका, जी कॉस ऑफ, अरे जी कहाँ से, यू इरेजर, ये आपका आएगा यू दैट इज 50 कॉस ऑफ 37 डिग्रीज, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा आपका, 50 साइन ऑफ 37 डिग्रीज, ठीक, ये बात समझ में आती है। अब किसके कंपोनेंट करने का है हम लोगों को, जी के, तो मैंने बोला जी के कंपोनेंट्स करेंगे कौन से वाले एंगल से, ये वाला एंगल लेते हैं हम, तो मैंने बोला ये वाला कंपोनेंट आएगा आपका जी कॉस ऑफ 37 और ये वाला कंपोनेंट आएगा आपका जी साइन ऑफ 37, आती है बात समझ में आपको, आ जाती है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, 50 कॉस 37 कितना होता है, 4/5, 50 × 4/5 कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकंड, तो ये वाला कितना आता होगा आपका, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। इस वाले को करिए सॉल्व, जी जी कितना हो गया आपका, 10 कॉस 37, 4/5, 5 × 5, 5 × 2, 4 × 2, 8 ये कितना आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला कितना आएगा आपका, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करके देखना यही आएगा, सॉल्व करो करके देखो, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब बाकी चीजें बात करेंगे। तो कोई मुझसे, मैंने बोला कि ये क्या है, डी मैक्सिमम तक गया है, यहां तक ये डी है इसका, तो मैंने बोला इस वाले पॉइंट पे यू वाई क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। तो मैंने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट कोई मुझसे पूछ ले टाइम ऑफ, मैंने बोला यहां पे टी वन लग रहा है और यहां पे लग रहा है टी टू, तो मैंने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट की कोई बात करेगा मुझसे तो मैं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी टी वन प्लस ऑफ टी टू, ठीक है, तो टी वन टी टू एक ही चीज है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी, तो मैंने बोला जीरो, ये कितना है मेरा इनिशियल वेलोसिटी, इसमें ये मैंने वाई एक्सिस मानी है
ये मैंने वाई एक्सिस मानी है, ये मैंने एक्स एक्सिस मानी है, वाई में खेल रहा हूँ अभी मैं। तो मैंने बोला वाई में इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको, 30, ठीक है, प्लस ऑफ ए कैसा दे रखा है, ए वाई में ये रहा ए, नेगेटिव में अपोजिट में दे रखा है, तो माइनस ऑफ 8 इंटू टी वन, तो टी वन कितना निकल के आया यहाँ से, 30/8 ये निकल के आया। तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकल के आएगा, टी वन प्लस ऑफ टी टू, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ टी वन, तो कितना आया आपका 2 टाइम्स ऑफ 30/8, 2 1 2 2 4 2, तो कितना आ गया 2 1 5 2, ये आया आपका इतना सेकेंड्स। नेक्स्ट आपको निकालना है डी, डी कैसे निकलेगा आपका, आपका निकलेगा यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी वन, ठीक। मैंने बोला सिर्फ ये वाले पार्ट में देखना, u क्या है इनिशियली 30, तो 30 प्लस v फाइनल कितना 0 अपॉन में 2 इंटू टी वन कितना निकला था भैया, ये रहा 30/8 हो जाती है। सिंपल हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके काम कर रहे हैं और काम तमाम कर दे रहे हैं हम, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये वाला रेंज कोई पूछ लिया जाए, ये रेंज कोई पूछ ले, ये तो कैसे निकलेगा भैया, ये कोई पूछ ले हमसे, ये रेंज पूछ लेगा तो कैसे निकलेगा, ये रेंज ये कैसे निकालेंगे, तो हमने बोला निकाल देंगे कुछ नहीं, हमें तो इक्वेशन ऑफ मोशन आते हैं। तो हमने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी इसमें क्या दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम यू इनिशियल की बात करें तो इस वाले डायरेक्शन में कौन सी दे रखी है, हमने बोला 40 दे रखी है, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। मैंने बोला एक्सेलरेशन कितना दे रखा है इस वाले में, हमने बोला माइनस ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। टाइम किसके बराबर होगा, टाइम मैंने बोला टाइम यहां पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा कितना आया है, 15/2 आया है। और कुछ दे रखा है, मैंने बोला और कोई की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने बोला एस दैट इज की रेंज हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू टी प्लस ऑफ 1/2 a t स्क्वायर, यू कितना है भाई लिखो यहाँ पे, यू 40, टी कितना 15/2 प्लस हाफ ए कितना, ए कितना ए माइनस ऑफ 6 इंटू टी कितना 15/2, तो 15/2 का स्क्वायर, आती है बात समझ में। तो कैसे इंक्लाइन पे हम सॉल्व कर रहे होंगे चीजें, ये बात आपको आती है समझ में, आ जाती है बात समझ में, ठीक। एक क्वेश्चन अगर हम आपको ऐसे करके दे कि मान लीजिए ये बॉल है और इसको हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन ऐसे उछाल दिया गया है, कितने से उछाला गया, मैंने बोला 16 मीटर पर सेकेंड से उछाला, तो बताओ इसके लिए बाकी सारी चीजें कैसे निकलोगी, फाइनल वेलोसिटी भी बताना है हमें, रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट सब कुछ बताना है इसके लिए। मैंने बोला 37 डिग्रीज है इंक्लाइन का एंगल, और मैंने बोला परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन हम इसको ऐसे छोड़ देते, तो मैंने बोला सबसे पहले इसका मोशन देखो कैसे होगा, कैसे होगा इसका मोशन, मैंने बोला ऐसे करके कुछ इसका मोशन हो रहा होगा, ठीक ठीक। और अच्छे से बनाएंगे, तो हमने बोला ऐसे करके कुछ मोशन करेगी बॉल, ठीक, हमें नहीं पता कैसे होगा, ठीक। तो मैंने बोला ऊपर कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक आएगी, तो मैंने बोला डी तक, मान लीजिए ऊपर जा रही है, डी तक ऊपर जा रही है, तो मैंने बोला टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो यू वाई हो जाएगा जीरो हो जाएगा। मैंने बोला जी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऐसे आएगा और एक यू आएगा, तो मैंने बोला ये 37 डिग्री होगा, ये कितना हो जाएगा जी कॉस ऑफ 37, अभी हमने निकाला था कितना आया था वो हमारा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, और ये आया था मेरा जी साइन ऑफ 37, कितना आया था ये आपका, ये आया था आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अभी बाकी सारी बातें करनी है हमें, ठीक, हमें रेंज निकालनी है, ये रेंज भी हमें निकालनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो हमने बोला यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम टॉप मोस्ट पॉइंट पे टी1 मानो, यहाँ से रिटर्न का टाइम टी2 मानो, तो मैंने बोला बॉल सीधी गई है, तो मैंने बोला सबसे पहले हम वेलोसिटी के कंपोनेंट करते हैं और जी के कंपोनेंट करते हैं। वेलोसिटी के कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन अगर करने जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इनिशियली क्या है कि हॉरिजॉन्टल में कुछ वेलोसिटी दी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी हमारी ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन दे रखी है, तो हॉरिजॉन्टल में इनिशियली तो कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल सॉरी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कोई वेलोसिटी नहीं है। जी को हमने करना था तो जी के हमने एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कर दिया, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन कर दिया। अब हम काम करेंगे तो T1 निकालना है, कैसे निकालोगे, तो मैंने बोला UY इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, आपने बोला 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैंने बोला एक्सेलरेशन बताओ, आपने बोला माइनस ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है,
टाइम टी वन, तो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी, फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो, इनिशियली 16, प्लस ए कितना माइनस ऑफ 8, और टी कितना आपका टी वन के बराबर, तो टी वन कितना आ जाएगा आपका 16/8, कितना आ गया आपका 2 सेकेंड के बराबर आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में समय लगेगा, क्योंकि सेम लेवल तक आना है, जितना लेवल ऊपर गया उतने लेवल तक नीचे आना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम, तो 2 times of T1, तो कितना आ गया आपका ये 4 सेकेंड के बराबर आ गया। कोई दिक्कत, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। डी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डी कैसे निकलेगा, इनिशियल प्लस फाइनल, वाई में इनिशियल कितनी है आपकी 16, प्लस ऑफ 0 अपॉन में 2 इंटू टी, टी क्या T1 के बराबर रखोगे, ये वाले पोर्शन से निकालते हैं ना हाफ से, तो कितना आ गया आपका 16/2 इंटू T1 कितना आपका, T1 कितना 2 सेकेंड, कितना आ गया आपका 16 meters के बराबर आ गया। ठीक, रेंज, रेंज कैसे निकालोगे, सेम भाई चीज, आपने बोला अब हम क्या करेंगे, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन खेल रहे हैं, हमने बोला इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस मान ले रहे हैं, ठीक है जी, तो मैंने बोला अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, अलोंग इंक्लाइन, आराम से देखना, ठीक है, अलोंग इंक्लाइन में यू इनिशियल कितना दे रखा है, इनिशियल में कितना दे रखा है, आपने बोला कोई वेलोसिटी नहीं दे रखी है, तो मैंने बोला 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक, टाइम कितना होगा, टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, कितना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, आपने बोला 4 सेकेंड्स में, ठीक, और क्या निकालना है आपको, और क्या निकालना है आपको, रेंज निकालना है, ठीक, तो आप क्या करोगे, एस या फिर आर इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, तो u कितना 0 प्लस ऑफ हाफ, a कितना दे रखा है, a कितना दे रखा भैया, ये दे रखा है कितना 16 इंटू टी स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर, तो 2 ones are 2, 3 are, क्या इसमें से आप r निकाल लोगे, नहीं, आपने देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अभी क्या है पूरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन दे दी, तो अलोंग में कुछ दी ही नहीं, ठीक है, तो हम कंपोनेंट करेंगे किसके, कुछ भी कंपोनेंट नहीं कर सकते, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी रेंज के लिए क्या रख दी, 0 पुट कर दी, कोई डरने की बात नहीं, अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा तो अब ये मत बोलना कि मैम कंपोनेंट कंपोनेंट करने के लिए नहीं दिया, अब क्या करें, तो नहीं दिया तो नहीं लेंगे भैया, सिंपल, ठीक, अब आपसे कोई फाइनल वेलोसिटी पूछ ले, इसमें फाइनल वेलोसिटी पूछ ले, यहां पे लिख दूं मैं फाइनल वेलोसिटी, यहां पे जब पहुंचा फाइनल वेलोसिटी, तो मैंने बोला इसको मैं एक्स एक्सिस मान रही हूं, इसको मैं वाई एक्सिस मान रही हूं, तो मैंने बोला लौट के कैसे बॉल आएगी, ऐसे करके कुछ आएगी, तो बॉल के पास एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो मैंने बोला लौट के जो तो वेलोसिटी जिस उससे जाती है परपेंडिकुलर उसी से स्ट्राइक करेगी, तो मैंने बोला जे में तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 16 जे कैप हो जाएगा, ठीक, सेम उस तक आएगी, मैंने बोला लेकिन एक्स में क्या वेलोसिटी रहेगी, तो एक्स में क्या वेलोसिटी रहेगी, आपने बोला इतने एक्सेलरेशन से चल के इतने टाइम तक आई है, तो आप लिखोगे वी U प्लस 80 के बराबर होगी, U प्लस 80 के बराबर होगी, U कितना आपका 0 प्लस A कितना आपका X में आप लिखोगे 16 इंटू T कितना आपका 4, ठीक है, माइनस में I कैप प्लस में I कैप लिखोगे, ये आपने पॉजिटिव X एक्सिस मानी है तो मैंने बोला प्लस ऑफ I कैप, ठीक, माइनस ऑफ, यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ठीक, ये परपेंडिकुलर गया है ऐसे करके, ठीक, यहां पे ऐसे करके कुछ बॉल आएगी, तो मैंने बोला इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो मैंने बोला बॉल के दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के जब ये स्ट्राइक करेगा वी के, एक एक्स में एक वाई में, ठीक है जी, ये बात आती है समझ में, तो मैंने बोला यहां पे गया था 16 meters per second square पूरी वाई एक्सिस, मैंने बोला दोबारा सेम हाइट से लौटा है, तो मैंने बोला वाई में तो वेलोसिटी सेम ही रहेगी, कितनी 16 meters per second स्क्वायर, कहां से आ गया भैया 16 meters per second, ठीक है, ये बात समझ में आती है, क्यों, क्योंकि सेम हाइट से रिटर्न हुई है, ठीक, तो हमने बोला 16 meters per second ही आएगी, लेकिन मैंने बोला x में क्या वेलोसिटी, तो मैंने बोला x में यहां पे इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, मैंने बोला एक्सेलरेशन कितना था x में, आप बोलोगे 16 meters per second square, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो मैंने बोला वेलोसिटी बढ़ाएगा ये, तो मैंने बोला नेट टाइम कितना लगा था, तो आप बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 4 seconds के बराबर लगा था, तो मैंने बोला फाइनल वेलोसिटी बताओ x में, तो यू एक्स अगर आप लिखोगे फाइनली
फाइनल लिखोगे तो क्या लिखोगे, ux इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ at के बराबर, u इनिशियल जो था ये कितना था 0, प्लस a कितना 16 और t कितना आपका 4 सेकेंड, तो 6 4 का कितना होगा आपका 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब किस डायरेक्शन में है, हमने बोला पॉजिटिव x के डायरेक्शन में, तो मैंने बोला ये कितना हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे कोई v फाइनल पूछ ले, वी फाइनल पूछ ले तो आप क्या लिखोगे, अगर आपने x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे मानी है तो आप लिखोगे 24 i कैप माइनस ऑफ 16 j कैप कितना मीटर पर सेकेंड। इसका मैग्नीट्यूड चाहो तो मैग्नीट्यूड निकाल देना, कैसे निकालोगे आप, अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस ऑफ 16 का स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से आपके इंक्लाइन के जो जितने भी सवाल होंगे वो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। एक अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट काटो, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन काटो और काम कर दो। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है।